बजट क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे जो डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल बजट्स क्या हैं, और इसको जो और मॉडिफाइड किया गया है प्लान और नॉन प्लान बजट में, और उसके बाद फाइनली जो पूंजीवाद भारत देश में, स्पेशली भारत देश में पूंजीवाद और राजस्ववाद को क्यों लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा। दोस्तों एक ही बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है जो बजट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बजट के मामले में, क्योंकि जो बजट होता है हर एक वर्ष में 1 अप्रैल को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आज हम पहले देखेंगे बजट क्या है। बजट जो बजट है, बजट वर्ड सबसे पहले फ्रांस में उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम बोगेट था, बोगेट BUGUET बोगेट था। बोगेट ये वर्ड सबसे पहले फ्रांस में उत्पन्न हुआ था, फ्रांस में ये उत्पन्न हुआ था, और कब हुआ था दोस्तों, 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी में जो बजट है सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ था बगेट, बगेट से ये अमेंडमेंट करके जो गवर्नमेंट फ्रांसीसी गवर्नमेंट द्वारा बजट रखा गया, BUDGET। बजट मीन्स होता है एक चमड़े का बैग जिसके अंदर सभी बजट के जितने भी भारत जो सरकार द्वारा जितने भी एक्सपेंडेबल्स हैं और नॉन एक्सपेंडेबल्स हैं, जितने भी लिए निवेश किए जाते हैं, जितने भी ऋण लिए जाते हैं, इन सभी का जो लेखा जोखा होता है, प्रतिष्ठान होता है, इन सभी को उस बैग के अंदर रखकर संसद में पेश किया जाता है, उसी का नाम बजट है। दोस्तों जो बजट है ये भारत देश में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो बजट है इसकी चर्चा अर्थशास्त्रों में भी देखा गया है। उस समय जब भारत देश चंद्रगुप्त मौर्य शासन के टाइम में ये बजट चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, उसमें ये भी एक लाइन दिया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे और आधारभूत संरचना से प्रतिभूत कराना है। इसलिए जो बजट है, बजट में ही राजस्व के कर और कहां कहां पर ये इम्प्लीमेंट होगा, किस किस सब्जेक्ट में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये चीज़ भी आज से 100 वर्ष पहले ये देखा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं आज बजट की। जो बजट है भारत देश की, ये आम बोलचाल में हम बोल सकते हैं सरकार द्वारा जो निवेश किया जाता है और जो व्यय किया जाता है उसका जो एक लेखा जोखा होता है, उसको जो संसद में हम पेश करते हैं उसको हम बजट के नाम से जानते हैं। बजट एक चमड़े का थैला होता है जिसमें इस सभी डॉक्यूमेंट को रखा जाता है और पार्लियामेंट में, संसद में पेश किया जाता है, उसे हम बजट कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डाटा इन द बजट, कौन कौन से डाटा हैं जो बजट का डाटा है, डेटा है। दोस्तों ये जो डेटा है ये तीन रूप से निरूपित करता है, एक पास्ट का, एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का। पास्ट मतलब जो समय बीत गया उसका जो लेखा जोखा है वो निर्धारित करता है, प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है दोस्तों इसका लेखा जोखा जो है इसको निर्धारित करता है, फ्यूचर मतलब आने वाले समय में जो लेखा जोखा है उसको किस तरह प्रस्तावित किया जाता है, आज हम देखते हैं। दोस्तों जो बजट है इसको तीन तरह कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। जो पास्ट का है, सबसे पहले पास्ट की बात करेंगे। जैसे जो पास्ट में हुआ था बजट हमारा, वो जिस करंट वर्ष से एक वर्ष पहले लेते हैं, जैसे 2017-18 ये हमारा पास्ट का हो गया। दोस्तों 2017-18 ये हमारा पास्ट का बजट है, लेकिन जो अगर हम करंट की बात करते हैं तो इसमें 2019 और 2020
19-20 ये हमारा प्रेजेंट टाइम का आता है, और जो हम पास्ट का है 2017 और 18 की हम बात करते हैं। तो इसका क्या है, इसको लिखने के लिए एक ब्रेकेट में ए लाइन से डिनोट किया जाता है, लेकिन जो पास्ट है पास्ट के लिए ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, इसके जो कोष्टक में कुछ नहीं लिखा जाता है। जो पास्ट का बजट होता है, इससे ये पता चलता है कि बजट में ए क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ए मतलब ये होता है जो पास्ट टेंस में बजट को कंप्लीट कर दिया गया है। जो बजट आर्टिकल्स है, बजट हमारा जो बजट है, जो हमारा संविधान है, उसमें ये निरूपित किया गया है आर्टिकल्स, आर्टिकल 112 से। आर्टिकल 112 112 जो है ये बजट बजट का है, बजट्स का आर्टिकल्स है जो इस अमेंडमेंट या बजट को निरूपित करता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, 2019 और 20 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जो 19 और 20 है ये प्रेजेंट टाइम का है, लेकिन जो इसको शो करता है प्रेजेंट टाइम में 2018 और 19 का शो करता है बजट। इसका जो कोष्टक है, कोष्टक में इसका हम पीई लिखा जाता है, इस बजट के बाद में पीई लिखा जाता है, इसका मतलब करंट में जो चल रहा है ये 2018 और 19 के आंकड़े जो हैं ये शो करता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर की, फ्यूचर में आने वाला जो बजट है वो 2020 और 21 होना चाहिए, 21 होना चाहिए ऐसे, लेकिन हम जो फ्यूचर का है 2020 और 21 होना चाहिए, जो लेकिन आंकड़ों के हिसाब से, बजट के हिसाब से जो 2019 और 20 लिखा जाता है, इसके कोष्टक में बीई लिखते हैं, बीई लिखा जाता है, मतलब ये जो अमेंडमेंट है ये भी इन फ्यूचर में होगा, मतलब जो अभी करंट में चल रहा है ये इन फ्यूचर का होगा, क्योंकि उस आंकड़े के हिसाब से एक साल पीछे जो बजट को निर्धारित किया जाता है जो करंट डेट में चल रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल बजट की, डेवलपमेंटल बजट और नॉन डेवलपमेंटल बजट। जो हमारा बजट है पहले, सबसे पहले ये दो भागों में डिवाइड किया गया था, वितरित किया गया था, एक डेवलपमेंटल और दूसरा नॉन डेवलपमेंटल। एक डेवलपमेंटल मतलब एक है कानूनी, एक नॉन डेवलपमेंटल एक गैर कानूनी है। जो बजट है इसको डिवाइड किया गया था दो बजट में। अच्छा, जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंटल है, जो सरकारी है, गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल है, ये कौन कौन से चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है या देखा जाता है। इस डेवलपमेंटल में जो जैसे सड़क हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, ब्रिज हो गया, कारखाना हो गया, पुल हो गया, जो भी गवर्नमेंट ऑन द अर्थ के ऊपर, मतलब पीएसयू है ना, पब्लिक क्षेत्र के लिए जो प्रोडक्शन करता है, जो गवर्नमेंट लगाता है, अपने आय का व्यय करता है, उसको ही इसमें रखा जाता है गवर्नमेंटल में। और नॉन गवर्नमेंटल में, नॉन डेवलपमेंटल में दोस्तों ये सरकारी कर्मचारियों के ऊपर या उपभोक्ताओं के ऊपर जो व्यय लगाया जाता है, खर्च किया जाता है, जैसे पेंशन या वेतन, और इसके अलावा जो उसमें ब्याज हो गया, टैक्स हो गया, दर, ये सब जो है नॉन गवर्नमेंटल में रखा गया है। लेकिन साल बदलते ही कुछ समय बाद में जो नॉन डेवलपमेंटल है इसको चेंज करके प्लान और नॉन प्लान राजस्व में चेंज कर देगा। 1988 में जो गवर्नमेंटल है उसको प्लान कर दिया गया, और जो नॉन गवर्नमेंटल है उसको नॉन प्लान कर दिया गया है। तो इसमें ये देखा गया है दोस्तों, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो पंचवर्षीय योजना हुई थी, पंचवर्षीय योजना, उस पे प्लान में इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो प्रस्तावित किया गया था, लोगों को प्रोत्साहित किया गया था, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने लोगों को प्रस्तावित किया, मोटिवेट किया कि इंडस्ट्रीज से
क्योंकि जो विकसित देश हैं, विकसित देश में ही इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा रोल है जो आर्थिक व्यवस्था में आता है डेवलपमेंट में। दोस्तों इसके बाद 2011 में जो प्लान और नॉन प्लान राजस्व विभाग था, इसको फिर पूंजी व्यय में और राजस्व व्यय में चेंज किया गया, जिसे रिन्यू कहते हैं, RENUE रिन्यू कहते हैं राजस्व को और पूंजीवादी को, है ना। पूंजीवाद और राजस्व दो भागों में फिर डिवाइड किया गया सी रंगराजन के टाइम में। जो सी रंगराजन थे वो इस बजट के हेड थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने फिर इसको पूंजीवाद और राजस्व बे में फिर नाम 2011 में समीकरण कर दिया। दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टाइप ऑफ द बजट में कितने टाइप होते हैं। बजट के अभी तक चार टाइप हैं। जो तीसरा नंबर का बजट है दोस्तों, वो 2007-2008 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और अभी देखते हैं हम ये जो बजट है, जो फर्स्ट है वो गोल्डन रूल, और जो सेकंड है दोस्तों, सेकंड को कहते हैं बैलेंस बजट, और जो थर्ड है इसे बोलते हैं जेंडर बजटिंग, और जो फोर्थ है दोस्तों जेंडर बजटिंग, बैलेंस बजट, गोल्डन बजट, और जो फोर्थ है दोस्तों उसको आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। दोस्तों अब हम इस पे बात करते हैं चर्चा गोल्डन बजट की, गोल्डन रूल्स, गोल्डन बजट की। ये बजट है जो सरकार द्वारा, ये अवधारणा जो है सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि सरकार जो है निवेश के लिए पूंजीवाद के लिए ऋण लेता है, ना कि राजस्व विभाग के लिए, जो राजस्व व्यय के लिए, चालू खातों के लिए व्यय नहीं लेती है। इसलिए जो गोल्डन रूल्स हैं ये जो भारत सरकार में अर्थव्यवस्था को उन्नति के लिए लागू किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैलेंस बजट की, बैलेंस बजट जो हमारा राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय के अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले जो व्यय हैं उनके बराबर की आमदनी को बैलेंस बजट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जेंडर बजट की, जो जेंडर बजट है, जैसा कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो जेंडर बजट है ये हाल में ही कुछ समय पहले 2007-2008 में भारत सरकार द्वारा लगाया गया था। ये जेंडर बजटिंग को लागू किया गया था। इसमें जो संवैधानिक रूप से जितने संसाधन थे और जितने वर्ग थे इनको वितरित करने के लिए ये सरकार द्वारा एक पॉलिसी जेंडर बजटिंग को बनाया गया था। इसमें खास करके भारत देश में, क्योंकि भारत देश का जो लिंग अनुपात है यहाँ पे विभेदीकरण है, विभेदीकरण को एक करने के लिए भारत सरकार ने 2007 और 2008 में जो जेंडर बजटिंग का स्थापना किया था आर्टिकल 112 के तहत बजट में। दोस्तों उसके बाद जो आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस बजट है, आउटकम एंड परफॉर्मिंग बजट्स ये एक अहम बजट है जो भारत सरकार द्वारा इस पर चर्चा किया गया था। और भारत सरकार के बजट में पार्लियामेंट में कई दिनों के बाद, मतलब काफ़ी समय के बाद में एक ये पार्लियामेंट यानी संसद से एक ये प्रस्ताव आया कि जो आउटकम है, जितने भी परिणाम्स हैं, आउटकम को हिंदी में परिणाम कहते हैं, परिणाम आउटकम मतलब परिणाम होता है परिणाम। ये जो है विभिन्न मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा, और जो परफॉर्मेंस मीन्स इसका हिंदी में बोलते हैं निष्पादन
जो निष्पादन है, परफॉर्मेंस है, ये वित्त मंत्री द्वारा बनाया जाएगा और ये बना भी हाल में ही 2016 और 17 में ये आउटकम्स और ये परफॉर्मेंस ये बना, जो परफॉर्मेंस है वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया गया है और जो आउटकम्स है वो विभिन्न मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इसमें जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की उच्च गुणवत्ता और प्राथमिकता देने के लिए ये आउटकम्स परफॉर्मेंस बजट को बनाया गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देख लिया बजट, ये बहुत ही अहम पार्ट था हमारे स्टडी का। दोस्तों इस तरह आप लोग भी इस वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।